हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में किडनी के बारे में बताऊंगी। किडनी के क्या फंक्शंस होते हैं। किडनी दो होती हैं हमारी बॉडीज़ में। इनकी जो शेप होती है वो राजमा की तरह होती है, बीन शेप होती हैं ये किडनीज। लेफ्ट वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। किडनी की जो लोकेशन होती है वो हमारी जो पेट होता है उस पर जो बैली बटन होता है जिसे हम नाभ बोलते हैं उसके पास होती है। अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको वहीं पर दर्द होता है, बैली बटन के पास या फिर पीछे की तरफ। किडनी बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है उसको छानने का काम करती है, प्यूरिफाई करने का काम करती है। इस इमेज में इतना ही। अब सेकंड इमेज में मैं आपको बताती हूँ। इस इमेज में आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग रहा होगा, जो ग्रीन कलर के एरो से दिखाया हुआ है वो बैली बटन है जिसे हम नाभ बोलते हैं, नाभि। और किडनी की लोकेशन बताई हुई है इसमें। आप किडनी के ऊपर एक कैप की तरह एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये ग्लैंड होती है, ये हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करती है। फिर इसके बाद जो थर्ड हमारी इमेज है, इस इमेज में आपको बताया हुआ है ग्रीन एरोज जो हैं वो, उससे हम ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो किडनी के अंदर एक छन्नी की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये जो दो बार आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये छन्नी की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है उसी तरह से हमारी किडनी के अंदर भी एक नेटवर्क बना होता है, लेयर्स बनी होती हैं। तो उससे जो ब्लड होता है हमारा वो छन जाता है और जितनी भी गंदगी है वो सब पानी में मिलके और हमारे ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है। जो ब्लैक कलर के एरोस से आपको बताया है, ये जो पूरा फिल्टर होके ये नीचे की तरफ आता है और ये ब्लैडर जो एक राउंड शेप में आप देख रहे हैं इसमें इकट्ठा हो जाता है पूरा पानी, जो भी गंदा पानी होता है। और फिर यूरिनेशन, जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उसमें ये सारा पानी बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। हमको जो यूरिन की जो अर्ज होती है यानी कि टॉयलेट जाना होता है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। इसी वजह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब नेक्स्ट इमेज, इसमें आपको स्टोन्स के बारे में बताया है। एक ही पिंक कलर का जो एरो आप देख रहे हैं ये वही ब्लैडर है जो पूरा फिल हो जाता है पानी से, और हमें इसको यूरिन को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि फिर इसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और फिर दर्द शुरू हो जाता है पेट में। जो ऊपर वाली इमेज है ब्लैक कलर के एरोज में जो दिखाया हुआ है, वो स्टोन्स हैं ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से दिखाए हुए हैं, ये स्टोन्स हैं, पत्थरी बोलते हैं। जब भी हम अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, ज़्यादा हम अपना मतलब कसरत नहीं करते, बॉडी का से काम नहीं लेते, तब ये स्टोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो डस्ट मिट्टी वगैरह जो होती है या फिर कैल्शियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इनके क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में इनके पार्टिकल चिपकने लगते हैं जिससे कि स्टोन बनने लगते हैं बॉडी में और जगह जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, वहीं पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बस किडनी के बारे में इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जो मकसद है वो यही है, जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी उन लोगों को भी एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी का जो पार्ट है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ताकि हम अपनी बॉडी का ख्याल रख पाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।